शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं इनटेक। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। और पहला खबर है सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। फोन कब तक लॉन्च होगा इसका तो कोई भी आइडिया अभी तक नहीं है और इसके रिलेटेड कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन यूट्यूब में एक चैनल ने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड कर दिया है। वैसे मैं इस फोन का अनबॉक्सिंग वीडियो तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन उस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ पता चलता है। आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेगा जो कि होगा इको फ्रेंडली और उसमें फ़ोन तो ऑब्वियस है होगा। फिर आपको यूएसबी टाइप सी केबल मिलेगा, चार्जर आपको नहीं मिलने वाला, सिम इजेक्टर टूल और मैनुअल्स तो आपको मिलेंगे ही। और उसके साथ साथ 6.4 इंच का ये डिस्प्ले होगा, स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। तो बस इतना ही जानकारी उस वीडियो को देख के पता चला। वैसे आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है टेलीग्राम को लेके, और रिपोर्ट का ये दावा है कि iOS यूजर्स के लिए टेलीग्राम टेस्टिंग कर रहा है इमोजी रिएक्शंस को। ये बेसिकली वही जो एनिमेटेड इमोजीज होते हैं उन्हीं का टेस्टिंग ये लोग कर रहे हैं। वैसे क्या आप टेलीग्राम को यूज़ करते हो या नहीं ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका फेवरेट इमोजी कौन सा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है वीवो की तरफ से, और रिपोर्ट का ये दावा है कि वीवो आने वाले दिनों में अपने नए दो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं जिसका नाम होगा vivo T1 और vivo T1X। और ये जो vivo T1 और vivo T1X है ये दो फोन्स वीवो के vivo Y सीरीज़ के जो फोन्स हैं उनको रिप्लेस करेगा। और वैसे इस फ़ोन के ज़्यादा स्पेसिफिकेशन तो बाहर नहीं आए हैं, लेकिन vivo T1 में आपको स्नैपड्रैगन 778 प्रोसेसर और vivo T1X में आपको मीडियाटेक का डिमेंसिटी 900 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। और इन दोनों फ़ोन में आपको 4000 mAh बैटरी और 44 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, और ये दो फ़ोन 5G फ़ोन होंगे। अगला खबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नया एडवाइजरी जारी किया है एजुकेशन टेक कंपनीज को लेके, और सिटीजन्स को ये कहा है कि आप लोग ये जो एजुकेशन टेक कंपनीज है जो फ्री के सब्सक्रिप्शंस बांटते रहते हैं उनसे थोड़ा सा बचे। और अगर आप फ्री के सब्सक्रिप्शंस भी लेते हो तो आपको पहले अच्छे से उन कंपनीज के बारे में जान लेना चाहिए कि ये कंपनी कैसा है, किस तरह का वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कराता है, और क्या फ्री सर्विस के चलते ये लोग फोर्स तो नहीं कर रहे हैं कि बच्चों को कि आप फ्री सर्विस के बाद आपको पे करके ये कोर्सेज लेना होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने काफ़ी ज़्यादा एडवाइजरी इसके रिलेटेड जारी किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये कहा कि जब भी आप एजुकेशन टेक कंपनी से कोई भी कोर्स को परचेज करते हो तो आप उनसे बिल भी मांगिए। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पेरेंट्स के लिए गाइडलाइन में ये कहा है कि आप कभी भी कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको पेरेंटियल कंट्रोल लगाना चाहिए, और कभी भी अगर आपके बच्चे ब्राउजिंग करते हैं तब भी आपको उन ब्राउजिंग ऐप में आपको पेरेंटियल कंट्रोल लगाना चाहिए। तो ये कुछ एडवाइजरी है, आप पोस्ट करके रीड कर सकते हो। अगला खबर है रियलमी के अपकमिंग स्मार्टफोन Realme GT 2 Pro को लेके, और इस फ़ोन का एक फ़ोटो लीक हुआ है सर्टिफिकेशन वेबसाइट से, और ये फ़ोन चाइना में 4 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगा। वैसे इंडिया में ये फ़ोन कब तक लॉन्च होगा इसका तो कोई आइडिया है नहीं, लेकिन मैंने इस फ़ोन के रिलेटेड दो बड़े बड़े न्यूज़ दिए थे अपने पुराने इंटेक्स में। अगर आपको Realme GT 2 Pro के बड़े बड़े अपडेट्स को जानना है तो आप मेरे पुराने इंटेक के वीडियोस को देख सकते हो, आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा रियलमी के GT 2 Pro को लेके। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लेके, और क्राफ्टन ने आज बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है, और उन्होंने ये कहा है कि आपसे जो भी गेम में चीटिंग करेगा उन्हें परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में। मुझे ये लगता है कि शायद क्राफ्टन मोबाइल आईडी को ही बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में बैन कर देगा, या तो आईपी एड्रेस को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में बैन कर देगा। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। और वैसे क्या आपने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलने के टाइम में आपको क्या चीटर्स मिले हैं या नहीं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है जियो के 5G टेस्टिंग्स को लेके, और रिपोर्ट का ये दावा है कि जियो ने सक्सेसफुली कनेक्टेड रोबोट्स का ट्रायल कर लिया है 5G नेटवर्क के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कई सारे रोबोट्स को कनेक्ट किए हैं 5G नेटवर्क के साथ, और एक ही साथ उन्होंने कमांड किया और ये रोबोट्स अपने आप ही काम कर रहे थे। तो इससे आप समझ ही सकते हो कि आने वाले दिनों में 5G का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा हमारे लाइफ में। वैसे एयरटेल भी 5G बेस्ड सोल्यूशन के ऊपर में काम कर रहा है, और एयरटेल अभी अपोलो हॉस्पिटल, फ्लिपकार्ट और अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ 5G बेस्ड सोल्यूशंस को ट्रायल कर रहा है। तो आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने भी 6 महीना का एक्सटेंशन दिया 5G ट्रायल को, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने यह कहा है कि
आप लोग इंडिया के अलग अलग कोने में जाके 5G को ट्रायल कीजिए और उसके बाद ही शायद 5G आएगा। तो इससे मुझे तो यही फील होता है कि 2022 के एंड तक आ जाएगा। आपका इसमें क्या कहना है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है ट्विटर ब्लू प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस को लेके, और कुछ लोगों ने इसे सपोर्ट किया है इंडिया में, और इससे यही साबित होता है कि इंडिया में ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ट्विटर की तरफ से बहुत ही जल्दी आने वाला है। वैसे ये सब्सक्रिप्शन आने के बाद जो भी इस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करेगा उसे ट्विटर की तरफ से काफ़ी कुछ बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, जैसे कि वो लोग लंबे लंबे वीडियोस को अपलोड कर सकेंगे, कन्वर्जेशन को पिन कर पाएंगे, ट्वीट्स को कस्टमाइज और अंडू करने का भी उन्हें ऑप्शन मिल जाएगा, उनके अकाउंट में कोई भी एड नहीं चलेगा। वैसे क्या आप ट्विटर के ब्लू प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करोगे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा तो पर्सनली ये है कि मैं तो ये सब नहीं करूँगा, जितना ट्विटर की तरफ से फ्री आता है मैं वही यूज़ करूँगा। वैसे आपका क्या राय है इसमें यह कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है एलजी की तरफ से, और एलजी ने सीईएस 2022 में एलजी वर्चुअल राइड और मीडिया चेयर कॉन्सेप्ट डिवाइसेस को शोकेस किया है, और ये आप वर्चुअल राइड को देख सकते हो। ये कुछ इस तरह का होगा जहाँ पे ये इंसान जो आर जैसे शेप का एक जो डिवाइस है उसमें बैठा हुआ है, और उसके सामने एक ओलेड डिस्प्ले है, कर्व ओलेड डिस्प्ले, वहाँ पे वो राइड कर रहा है वर्चुअली। और दूसरा ये मीडिया चेयर कॉन्सेप्ट डिज़ाइन है जहाँ पे ये लेडी बैठी हुई है चेयर में और बैठ के टीवी का मज़ा ले रही है। वैसे आपको ये देख के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है शाओमी के अपकमिंग स्मार्टफोन शाओमी 12 को लेके, और ये फ़ोन का पहला रेंडर इमेज लीक हुआ है। वैसे ये फ़ोन चाइना में 28 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगा, और ये फ़ोन लॉन्च होने के बाद पहला ऐसा फ़ोन बन जाएगा जिसमें स्नैपड्रैगन 898 प्रोसेसर है। वैसे आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। इंडिया में ये फ़ोन कब तक आएगा इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। वैसे फ़ोन देख के आपको कैसा लगा फ़ोन ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही।